हेलो डियर लीडर्स, हाँ आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं व्हाट इज वॉर एंटरप्रेन्योर्स। हमने बहुत सारा कंटेंट देखा कुछ दिनों में, कुछ बहुत सारी चीजों के बारे में समझा, आरसीएम क्या है वगैरह, नेटवर्क मार्केटिंग क्या और दूसरी छोटी छोटी चीजें आपने जानी होगी, और थोड़ा बहुत हमारे लीडर्स के साथ बातचीत करके भी आपको कुछ थोड़ा सेशन में आके भी कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। जिस कम्युनिटी के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, जिस अकेडमी के साथ जुड़े हुए हैं, वॉर एंटरप्रेन्योर्स वो क्या है उसे भी जानना जरूरी है, राइट? सो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वॉर एंटरप्रेन्योर्स क्या है, कैसे स्टार्ट हुआ और आने वाले समय में क्या उसके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं और कैसे काम वो करने वाला है। आइए चलते हैं और इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि वॉर एंटरप्रेन्योर्स क्या है और कैसे वो आगे काम कर रहा है। पहले तो इस वॉर एंटरप्रेन्योर्स जो वर्ड मैं आपको बता दूं, ये दो वर्ड में डिवाइड है, वॉर और एंटरप्रेन्योर। ये किस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ वो हम लोग आगे देखेंगे। जैसे कि वॉर है, ये वो वाला वॉर नहीं जो हम लोग लड़ाई करते हैं, ये एक सेंटेंस फॉर्म्ड है इस वॉर के अंदर ही। वो सेंटेंस ये फॉर्म्ड है कि वी आर राइट। जो भी हम लोग काम इस वॉर एंटरप्रेन्योर्स के अंदर करने वाले हैं, इस कम्युनिटी के अंदर जो भी काम होने वाला है वो बिना मैनिपुलेट किए होगा, बिना चीटिंग किए होगा, बिना कोई गलत काम किए होगा, राइट? सो इसीलिए हमने ये नाम डिराइव किया वॉर, और इसका मतलब सेंटेंस फॉर्म किया है वी आर राइट। एंटरप्रेन्योर के बारे में हम लोग जानने जाएं तो ये क्या होता है, तो वो एक वो आदमी जो अपना बिजनेस या बिजनेस सेटअप्स करते हैं और फाइनेंशियल रिस्क लेके वो आगे बढ़ते हैं होप के अंदर कि जिनको जल्दी से प्रॉफिट मिलेगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं तो फाउंडर बारे में जाने तो राहुल मकवाना, मायसेल्फ राहुल मकवाना, मैंने फाउंड किया इस वॉर एंटरप्रेन्योर्स को, और उसी के साथ साथ देखने जाए तो को फाउंडर अमित महेश्वरी। ये ग्रेट पर्सनालिटी है जिनको आप जल्दी से सुनोगे, जानोगे, जिनके पास बहुत कम उम्र में बहुत ज्यादा अनुभव है, उनकी स्पीच भी हमें सुनने को मिलेगी। उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है कम्युनिटी आगे बढ़ाने में और बढ़ाने में। चलिए आगे देखते हैं। वी गॉट स्टार्टेड ऑन 20th November 2020, 20 नवंबर 2020 को हमने वॉर एंटरप्रेन्योर्स फाउंड किया, और 20-21 नवंबर इज सेलिब्रेटेड एज वॉरियंस डे। 20 से लेकर 31 नवंबर हम लोग एक तरीके से वॉरियंस डे सेलिब्रेट करते हैं। अलग अलग चीजें होती हैं, अलग अलग सेलिब्रेशंस होता है, मतलब ये अभी हमने प्लान किया हुआ है, आने वाले समय में हम लोग उस चीजों के ऊपर स्टेप्स लेने वाले हैं। अभी मोस्ट ऑफ हमने एक साल कंप्लीट कर चुके हैं और धीरे धीरे दो साल भी हम लोग कंप्लीट करेंगे, और जब ये दूसरा साल कंप्लीट हो कुछ नई चीजें हम लोग इस एंडिंग में करेंगे। आज के समय में अभी आप देखो तो जो भी आप कम्युनिटी के साथ अभी अभी जुड़े हुए, यू आर इन ए जर्नी ऑफ बिकमिंग एंटरप्रेनर। अभी आप एंटरप्रेनर नहीं हो, राइट नाउ यू आर ए नेटवर्कर। अब जिस चीज के साथ जुड़े हुए, जो काम आप कर रहे हो, आपको एक एंटरप्रेनर बोला जाएगा, ना कि आप एक एंटरप्रेनर हो। ओके, सो आपको एक नेटवर्कर के तौर पर चलना है कि आप करंटली नेटवर्कर हो। चलो देखते हैं कि एक बिजनेसमैन में और एंटरप्रेनर के अंदर दोनों में क्या अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं, क्या फेरफार होता है, क्या चेंजेस होते हैं। तो बिजनेसमैन जो होता है वो पर्सन होता है जो बिजनेस रन करता है, अंडरटेकिंग एन अनओरिजिनल आइडिया, जो पहले से आइडियाज हैं या जो चीजें चल रही है उसी के अंदर बिजनेस जो करता है उसे हम लोग बिजनेसमैन कहेंगे। इसी के कॉन्ट्रारी में हम लोग देखें तो एंटरप्रेनर किसको कहेंगे, वो जो अपने खुद के प्रोडक्ट कुछ लॉन्च करता है या कुछ के बिजनेस आइडियाज खुद लॉन्च करता है और उसके अंदर उस मार्केट के अंदर खुद एक लीडर बनकर उस चीज को लीड करता है। आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत हमारे क्लियरेंस हो गई होगी बिजनेसमैन में और एंटरप्रेनर क्या है। चलिए देखते हैं हाउ वॉर एंटरप्रेनर स्टार्टेड, कब स्टार्ट हुआ वो तो हमने देख लिया, किस तरीके से स्टार्ट हुआ, कैसे इसका पहलू आया, कैसे ये आगे बढ़ा, ये सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। एक आइडिया के थ्रू स्टार्ट हुआ। मैं तो थोड़ी बहुत मेरी कुछ पास्ट लाइफ बताऊंगा। जब मैं मोस्ट ऑफ इलेवेंथ में पढ़ रहा था तब थोड़ी बहुत हर किसी के पर्सन को उस एज पे, मतलब जब भी कोई भी पर्सन टेंथ इलेवेंथ तक पढ़ रहा था, उनको फैमिली कंडीशन या बाहर की कंडीशन सब समझने आना शुरू हो जाती है। उसी वक्त हम लोग भी फाइनेंशियली बहुत गुजर रहे थे, बहुत स्ट्रेस था हमारे घर में भी, तो उसी के साथ साथ मैंने ये आइडिया निकाला कि क्यों ना कुछ ऐसी चीजें क्रिएट की जाए, कुछ ऐसा सोचा जाए कि हर किसी को, जितने भी लोग हैं आज के समय में, उनको एक हेल्प मिल सके फाइनेंशियली बाहर आने के लिए,
mentally or physically to bring a change for people who are struggling, right? जैसे ये फाइनेंशियली कोई भी लोग दिक्कत में होते हैं ना, तो उनको मेंटली और फिजिकली प्रेशर आना शुरू हो ही जाता है। तो एक आइडिया से शुरू हुआ, मैंने कुछ आइडिया लगाया कि उन्हें ऐसी चीज बनाई जाए, राइट। तो ये आइडिया जैसे ही आया, उसी के साथ उसके ऊपर मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया। वो आइडिया के साथ ही मैंने जैसी बात थोड़ी बहुत स्कूलिंग मेरी कंप्लीट की, 12th वगैरह कंप्लीट हुआ, उसके बाद ग्रुप बनाया मैंने, एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाया। और इसमें एक इस तरीके से वर्क करने का सोचा मैंने कि बहुत सारे लोगों को कलेक्ट करता हूँ जो मास्टरमाइंड हो, जिनके पास कुछ चाह हो कुछ करने के, जिसके पास तगड़ा दिमाग हो, ऐसे लोगों को मैंने सोचा कि उन लोगों को कनेक्ट करूंगा, एक साथ लाऊंगा और फिर हम लोग कुछ ऐसी चीजों के ऊपर काम करेंगे जो इन लोगों को मदद कर सके, उनको नया रास्ता दे सके। क्योंकि जैसे ही फाइनेंशियली लोग एक बार अंदर इस दलदल के अंदर आ जाते हैं ना, तो निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उन लोगों को मदद की जाए, उन लोगों को हेल्प प्रोवाइड की जाए और उनको एक हाथ बढ़ाया जाए कि वो वहां से निकल पाए। तो इस तरीके से मैंने बहुत सारे लोगों को मतलब जोड़ने का प्रयास चालू किया कि ऐसे लोगों को कनेक्ट करूं जो माइंडेड है, फिजिकल मेंटली हर जगह से परफेक्ट हो, जो रेडी है कुछ योगदान करने के लिए इन सब लोगों के लिए। सो उस ग्रुप का नाम था मास्टरमाइंड। मैंने एक पेपर बनाया था जिसपे लिखा हुआ था सारी कंडीशन कि हम लोग क्या वर्क करने वाले हैं, कैसे आगे बढ़ेंगे वगैरह। वो मैंने पेज बनाया, एक पेपर मतलब सारी चीजें लिखी और बहुत सारे लोगों को दी मैंने, जो मुझे लगते थे कि हाँ वो इस ग्रुप में आने के लिए जरूरी है, कि उनकी तरफ से बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। उस पेपर के अंदर एक लाइन हुआ करती थी, समथिंग ग्रेट है स्कैम, कुछ बड़ी चीज आ गई है। ये एक बिलीव था कि पहले से ही कि जिस चीज को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ी चीज है। हर वक्त कोई भी चीजें स्टार्ट करो, मैं ये बिलीव करता हूँ कि कोई भी चीजों को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उसको ऐसा बिलीव करो कि ये बहुत बड़ी होने वाली है या बहुत बड़ी है। उसमें भी लाइन हुआ करती थी समथिंग ग्रेट है स्कैम। इसी तरीके से हम लोग जैसे कि वॉर इंडिपेंडेंस को जाने के कैसे स्टार्ट हुआ, उसको भी हम लोग आज के समय में यही चीज के साथ कहें कि समथिंग ग्रेट है स्कैम और सारी चीजें ग्रेट होना शुरू हो जाएगी। बट इट वॉज ए बिग फेलियर, बहुत बड़ा फेलियर नहीं कहेंगे, बहुत सारे लोग नहीं थे या बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना लिए थे। बट खुद अगर मेरे हार्ट से लेकर देखने जाऊं तो मेरी एफर्ट्स बहुत थे, मैंने वर्क बहुत कुछ ज्यादा किया था और बहुत लोगों को मोस्ट ऑफ मैंने सर्कुलर पहुंचाया था, बहुत लोगों को ये पेपर पहुंचाया था कि आइए चलिए और काम करते हैं कुछ, थोड़ा बहुत कुछ एक दो लोगों के साथ, पाँच छह लोगों के साथ मैंने ये वर्क स्टार्ट भी किया। पर उन सब लोगों को मैं इकट्ठा नहीं रख पाया, कंबाइंड नहीं रख पाया, ना मेरे पास उनके पास जरिया था कि मैं उनको इनकम दे सकूं स्टार्टिंग में, या ना कुछ ऐसा आइडिया था कि मैं खुद कुछ नहीं कमा रहा था उस वक्त, तो मैं उनको क्या बताता। सो सारी चीजें जो मैंने की थी वो गिर गई, एक साथ दम करके नीचे गिरी। कुछ दिन निकले, सम डेज पास्ड ऑन, जैसे जैसे आगे बढ़ते गए दिन, मेरे भी आइडियाज, ऐसा नहीं था कि मैं भी बंद हो गया, मैं भी अपना दिमाग अलग अलग जगह पर लगाना शुरू कर दिया। उसी के साथ साथ आई केम इन कॉन्टेक्ट विथ RCM, जिसके साथ आप अभी कनेक्ट हुए हैं, जिसके साथ आप अपनी लाइफ नई क्रिएट करने वाले हैं, RCM, द राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, राइट। ये जैसे ही RCM को मैंने समझा जाना, उसी के साथ साथ मेरे सामने एक वर्ड आया था। वो वर्ड क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, उससे पहले ये बताओ कि मैं RCM के साथ कैसे कनेक्ट हुआ। मेरे पापा इस चीज को मतलब RCM को किया करते थे जब मैं मेरी स्टडीज कंप्लीट कर रहा था। उस वक्त मेरा कुछ फोकस नहीं था कि ये क्या है, कैसे है, क्यों कर रहे हैं वगैरह, कुछ नहीं। जस्ट मेरा पूरा फोकस ये कि मुझे मेरी लाइफ में क्या करना है, स्टडीज करनी है, ओके, उसके साथ साथ आगे बढ़ना है और कुछ एक वेल क्वालिफाइड जॉब लेनी है। सो ये मेरा फर्स्ट मतलब मेरी थिंकिंग थी और मैं आगे बढ़ रहा था, उसके साथ ये आइडिया आया तो वो साथ में सब चीजें कर रहा था। पर जैसे स्कूलिंग कंप्लीट हुई मेरी, ओके, उसके साथ साथ मैंने इस चीज को भी जाना, जैसे ही RCM को थोड़ा बहुत जाना, उसके साथ मेरे उसी के साथ साथ एक वर्ड आया मेरे सामने, नेटवर्क मार्केटिंग। कि जो RCM है, जिस तरीके से चल रही है, जो सिस्टम है, वो एक नेटवर्क मार्केटिंग के बेस्ड के ऊपर है। जब ये नेटवर्क मार्केटिंग वर्ड मुझे समझ में आया कि ये नेटवर्क मार्केटिंग के सिस्टम के ऊपर चल रही है, जो भी ये काम करती है उस सिस्टम को नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं, तो ऑटोमेटिकली मुझे एक पर्सन, एक शख्सियत का नाम है, एक शख्सियत मेरे सामने पूरी रच गई, बिल गेट्स। इसके बारे में हम लोग मोस्ट ऑफ सब लोग जानते हैं, नहीं जानते उसके बारे में, नहीं जानते कोई तो मैं बता दूं कि बिल गेट्स वो हैं जो लंबे समय तक
richest person in the world रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट जिसको आप सब लोग यूज कर रहे हैं कंप्यूटर में हर जगह पर, उनके वो फाउंडर हैं, उन्होंने एक चीज बोली थी। मुझे क्यों ये नेटवर्क मार्केटिंग सुनते ही बिल गेट्स का चेहरा सामने आ जाता है, क्योंकि जब मैं इस चीजों के सारे में ये नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कॉन्टेक्ट में नहीं भी आया था, उससे पहले मैं उनके कोर्स बहुत ज्यादा पढ़ते थे, मोस्ट ऑफ रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है कि वो क्या करते हैं, वो क्या सोचते हैं, उनकी थिंकिंग क्या है, उनकी वे ऑफ लाइफ कैसी है, तो उनके बारे में मैं बहुत ज्यादा पढ़ा करता था, उनके कोर्स पढ़ा करता था। उनमें से एक कोर्स नेटवर्क मार्केटिंग के रिलेटेड था, बट नेटवर्क मार्केटिंग क्या है तब मुझे नहीं पता थी। जैसे ही मैंने ये समझा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, डायरेक्टली मुझे बिल गेट्स का वो कोर्स सामने आया। आपके सामने भी वो रखना चाहूंगा कि वो कोर्स क्या था। If I would be given a chance to start all over again, I would choose network marketing. इनके इंटरव्यू में पूछा गया कि आपके पास से सब कुछ ले लिया जाए, जितने भी धन दौलत है आपके पास वो सब कुछ आपके पास लिया जाए तो आप क्या करोगे? तो उन्होंने बोला था कि मैं फिर से नेटवर्क मार्केटिंग से स्टार्ट करूंगा। इतना बड़ी हस्ती अगर कुछ कह रही है नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, राइट, तब मेरा दिमाग पूरा क्लियर हो गया कि लाखों लोग भले कुछ भी कह रहे हो इस नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, मैं खुद का एक्सपीरियंस लूंगा और फिर जानूंगा कि ये चीज कैसी है। हम उन लोगों का एक्सपीरियंस लेने बैठते हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया इस फील्ड में, राइट, और फिर हम लोग मान लेते हैं उस चीज को कि हाँ मेरे से भी कुछ नहीं होगा, ये चीज अच्छी नहीं है वगैरह नहीं है। इसमें कुछ हमारे ऊपर लांछन नहीं लग जाता कि इस चीज को हमने नहीं करके मतलब एक्सपीरियंस करके हमने जाना तो हमारे ऊपर लांछन लग जाएगा। ओके, कुछ लोग आज के समय में नेटवर्क मार्केटिंग को इस तरीके से समझते हैं, ना मैंने कुछ ऐसा सोचा ना कुछ ऐसा जाना, मैंने खुद का एक्सपीरियंस लेने के लिए स्टार्टअप किया कि मैं भी खुद नेटवर्क मार्केटिंग को करूंगा, जानूंगा कि इतनी बड़ी हस्ती कुछ इसके बारे में कह रही है तो कुछ ना कुछ खास चीज इसके अंदर पड़ी होगी। तो मैंने उसी वक्त इस चीज को डिसीजन लिया कि मैं इस चीज को करूंगा और आगे बढ़ूंगा। ओके, उसी के साथ साथ कुछ कपल डेज पास हुए थे, मेरे साथ आरसीएम कॉन्टेक्ट में आया था, मैं उसके अंदर काम करना शुरू कर दिया। और जैसे ही मैंने उसके साथ मेरे काम करना शुरू कर दिया, तब ही मेरे पास एक वे आया कि क्यों ना जो चीज मैंने पहले सोची थी कि लोगों को इकट्ठा करूं, ऐसे माइंडेड लोगों को इकट्ठा करूं जिनके पास कुछ अलग आइडियाज होंगे, अलग वेस होंगे, और फिर उनको एक साथ करके इस कम्युनिटी में ला के कुछ बड़ा किया जाए। तभी ये वॉर एंटरप्रेनर्स नाम मेरे सामने आया, जब मैंने उसके ऊपर वर्क किया और ये नाम हमारे सामने आया और इस कम्युनिटी को आगे बढ़ाने का सोचा कि अब हमारे पास वे है। मेरे पास तब तक बहुत डिजिटली एक्सपीरियंस भी हो गया था, कुछ अच्छे खासे में कमाना स्टार्ट कर दिया था कि जितने वेल क्वालिफाइड लोग जॉब वाले पर्सन कमा रहे होते थे उतना मैं डिजिटली प्लेटफॉर्म से कमा रहा था। तो मोस्ट ऑफ वो नॉलेज थी, नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज थी और नेटवर्क मार्केटिंग से भी मैंने कमाना स्टार्ट कर दिया था। सो पूरी चीजें तैयार थी मेरे पास कि अब मैं पास पूरा इम्पैक्ट परफेक्ट पावरफुल वे है कि लोगों को इकट्ठा करूंगा। जो प्लान पहले था मेरा मास्टरमाइंड ग्रुप का, वो सारा प्लान अब लोग इसमें फोकस करेंगे, लोगों को कैसे हेल्प कर सकते हैं फाइनेंशियली मेंटली और हर तरीके से। तो ये चीजें हमने सोची और फिर स्टार्ट किया वॉर एंटरप्रेनर्स। और उसी के साथ साथ हम लोग आगे देखते हैं कि वाई वॉर एंटरप्रेनर्स, क्यों वॉर एंटरप्रेनर्स, ये क्यों करना है आपको? आप यहाँ पर आए हैं एक इनकम के वे से ही आए होंगे मोस्ट ऑफ, पर अलग अलग चीजें क्या हैं जो आपको बाहर से भी मिल रही होगी मोस्ट ऑफ, पर यहाँ से क्या अलग मिल रहा है? आगे बढ़ते हैं और जानते हैं और देखते हैं। ओके, कुछ चीजें बताऊंगा पहले तो क्यों ये फॉर एंटरप्रेनर्स, पहले इजर आसान भाषाओं में आपके सामने में रखना चाहता हूँ। एसोसिएट विद द कंपनी वेर यू कैन इजिली गेट द स्टार्टअप, ये उस कंपनी के साथ एसोसिएट है जहां पर आप इजिली स्टार्टअप कर सकते हैं, आपको ज्यादा पैसे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप नो स्टॉक जिस जो भी पर्सन अभी कनेक्ट हुए हैं, आपने जो भी मतलब इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं किया है, आपने जिस परचेस किया है पैसे दिए और सामान लिए और आपने यहाँ पर एक स्टार्टअप करने का मौका मिल गया कि उस कंपनी के साथ कनेक्ट है जहां पर आपको ज्यादा हैवी चीजें पैसे लगाने की जरूरत नहीं पड़ी होगी स्टार्टअप के लिए। कंफर्ट जोन, कनेक्ट विद फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं क्या कंफर्ट जोन कौन सी चीज की बात कर रहा हूँ वो थोड़ा बहुत ध्यान दीजिएगा। कंफर्ट जोन ये नहीं कि कोई सक्सेस के लिए भाग रहा होता है और उसको एक कंफर्ट जोन मिल गया तो बस अपना हासिल जो भी मेहनत होती है वो बंद कर देता है, टीवी वगैरह सामने बैठते हैं मतलब कंफर्ट नींद लेना शुरू कर दिया, सोना शुरू कर दिया, ये कंफर्ट वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं। ये कंफर्ट वाली बात कर रहा हूं, ये कंफर्ट जोन जो कह रहा हूं, जो वहां पर आप अपना कंफर्टेबल फील करोगे ग्रोथ के साथ, ग्रोथ लाने वाला फील होगा और एक
कंफर्टेबल जोन होगा, ऐसे ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट होगे जहां पर पूरा कंफर्टेबल फील करोगे, अच्छा फील करोगे, बेटर फील करोगे, हैप्पी फील करोगे, और उसी के साथ साथ एक सोच होगी कुछ आगे बढ़ने की, कुछ आगा कुछ नया कुछ करने की, नया कुछ रचने की. ओके, ओनली कम्युनिटी वर्किंग ऑन नेटवर्क मार्केटिंग, अफिलिएट मार्केटिंग एंड मेनी अदर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स. ऐसी एक कम्युनिटी आज के समय में हम लोग वॉरंट अपन रन कर रही है. मैंने बहुत सारे कम्युनिटी को देखा, चाचा पर्चा कि सब लोग कैसे वर्क कर रहे हैं. उसके बाद मैंने ये सारे रिसर्च करने के बाद इस कम्युनिटी को फॉर्म किया. मोस्ट ऑफ सब लोग कम्युनिटी है जो अलग अलग एक सेम फील्ड को लेकर चल रही होती है. हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर तो काम कर ही रहे हैं, आपको अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में नॉलेज किया जाएगा, आपको ट्रेन किया जाएगा उसमें कैसे वर्क करते हैं, बहुत सारे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स जो बहुत अलग अलग चीजें आ रही है उसके बारे में भी आपको नॉलेज दी जाएगी, कैसे आप उसमें आगे बढ़ सकते हो और अपना फ्यूचर अलग अलग तरीके से क्रिएट कर सकते हो. तो बहुत सारी चीजें, इमेंस चीजें हैं जो आपके लिए वेट कर रही है, ना कि सिर्फ एक चीज के ऊपर, बहुत सारी चीजों के ऊपर वर्क करेंगे. क्योंकि एंटरप्रेन्योर किसको कहते हैं, जो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम के साथ चल रहा है, जिसके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ आइडियाज होते हैं, जो अलग अलग चीजों के ऊपर मतलब काम कर रहा होता है. तो एक जर्नी है एंटरप्रेन्योर बनने की. आज के समय में अभी जो भी आप सोशल इस चीज को देख रहे हैं तो आप एक नेटवर्कर हो. ओके, आप खुद एक कह सकते हो कि राइट नाउ आई एम नेटवर्कर. जर्नी है एक एंटरप्रेन्योर बनने की. आने वाले जैसे ही आप यहाँ पर एंट्री लेते हैं, जितने भी लोग आने वाले होते हैं यहाँ पर, वो एक ध्येय होता है उनका कि पैसा, मुझे यहाँ से पहले पैसे लेना है. सो हाँ, वो चीज आपको दी जाएगी, क्योंकि जैसा जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, नॉलेज ले रहे हो डे बाय डे बाय, जितनी भी चीजें आपको दे रहे हैं जब वर्क कर रहे हो, तो ये पैसा तो ऑटोमेटिकली आएगा. आप वो काम कर रहे हो जो आपने सुना होगा कि ऐसा मत करो कोई काम जो आपको पैसे के लिए भागना पड़े, ऐसा काम करो कि पैसा आपके पास आए. तो आप वो काम कर रहे हो जो पैसा आपके पास आएगा. हर जगह पर पैसा मिलने के लिए तो कोई भी काम कर रहा होता तो पैसा तो मिलता ही है. आपको यहाँ पर पैसा भी मिलेगा, पर उसके साथ साथ क्या होगा, फाइनेंशियल नॉलेज. अगर ये फाइनेंशियल नॉलेज हमारे पास आ जाए कि पैसा कैसे मतलब रखा सकता है, बार बार कैसे हमारे पास वो आ सकता है, उस चीज की नॉलेज आ जाए, आज आया कल आएगा और परसों भी आएगा, उसकी नॉलेज अगर हमारे पास आ जाए तो वो पैसा निकल कैसे मतलब बार बार आएगा, उसकी नॉलेज हमारे पास आ गई, राइट. सो सारी चीजें आसान हो जाएगी. पर फाइनेंशियल नॉलेज भी बहुत सारे लोगों के पास होता है, पर वो उनके पास पैसा टिकता नहीं. क्यों? क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता उसी के चीज का. फाइनेंशियल नॉलेज तो आ गई, हाँ मुझे यहाँ पर यूज करना है, ये इतना ये मुझे असेट्स बाय करने चाहिए, लाइबिलिटीज बंद करनी पड़ती है. ये बहुत सारी नॉलेज होने के बावजूद भी लोग पीछे हट जाते हैं या गिर जाते हैं. क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं होता उनके पास. आपको हम लोग यहाँ पर सिखाएंगे कि अगर आपके पास 1000 रुपए भी है उसको कैसे यूज करेंगे. पूरा महीना चलाना होता है तो हमारा 1 रुपए कहाँ पर जाना चाहिए, 1 रुपए को कैसे बताना बचाना है, 1000 रुपए है तो कहाँ पर लगाने हैं, कैसे हमारे हाथ से ये यूज होते हैं. आज के समय में हम लोग भी, पहले जब हमने शुरू किया था सारी चीजों को तो हमने भी सीखा, हमने भी बहुत सारे पैसे मतलब यहाँ वहां उड़ा दिए, बहुत कर्जे लिए, पर धीरे धीरे हमने नॉलेज लिया, हमने एक्सपीरियंस लिया और हम लोग तैयार हैं बहुत सारी चीजें आपको देने के लिए. सो आपको यहाँ पर से पैसा जनरेट करने का मौका मिलेगा, उसके साथ फाइनेंशियल नॉलेज की बार बार कैसे आएगा उतना ही पैसा या उससे बढ़कर कैसे आएगा उसका नॉलेज आपको दिया जाएगा. और एक्सपीरियंस लेने के लिए खुद आपको ट्रेन करेंगे हम लोग कि उसको कैसे अच्छी तरीके से यूज करना है. आगे हम लोग देखें तो क्या और चीजें वॉरंट अपन आपको प्रोवाइड करने वाला है. पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आज के समय में हर जगह ये चीज देखी जा रही है. पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंदर बहुत सारी चीजें होती है जो हम लोग इस चीजें आपके सामने में रखी हुई है. स्पीकिंग, स्पीच के ऊपर ध्यान दिया जाएगा कि आप कैसे बोलते हैं, कैसे आगे मतलब बोलना है, या कोई भी स्पीकिंग चीज हमारे मतलब कोई भी प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोग जाते हैं या कोई भी चीजें कोई भी फंक्शंस वगैरह जा रहे हैं, कोई भी चीजों पर हम लोग हमारा वर्क दे रहे हैं, तो स्पीच बहुत बहुत मैटर करती है कि हम लोग किस तरीके से बोल रहे हैं, कैसे आगे बढ़ रहे हैं, सारी चीजें. खुद मैं अभी के समय में बहुत परफेक्ट नहीं हूँ, मैं खुद अपने आप को हर वक्त रेडी करता रहता हूँ, आज अच्छा बनूं, कल अच्छा बनूं, परसों अच्छा बनूं, राइट. लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश, उसके ऊपर भी आपके लिए एक वर्क किया जाएगा कि कैसा आप उस चीज को सीखोगे, समझोगे. और क्योंकि मोस्ट ऑफ बहुत सारे लोगों को इंग्लिश आज के समय में नहीं भी आ रही होती, तो उन सब लोगों के लिए भी यहाँ पर से हेल्पफुलनेस बनी रहेगी. डिजिटल प्लेटफॉर्म जो सोशल मीडिया है, वेबसाइट है, क्रिप्टो, उस चीजों के ऊपर आप कैसे वर्क करोगे, उस जगह से आप पैसा कैसे निकालोगे, वो सारी चीजें आपके लिए यहाँ पर हमारी तरफ से रखी गई है. फिटनेस, जैसे जैसे हम लोग
कोई भी बड़ी चीजों के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं, उसके साथ साथ अगर एक हमारे पास फिटनेस हो तो हमारा माइंड अच्छे से चलता है, हमारी लाइफ एक हैप्पी मोड में होती है, तो आपको फिटनेस के लिए भी आपको तैयार किया जाए। मैं खुद अभी फिटनेस के ऊपर ध्यान देता हूँ कि कुछ अच्छी अपना बॉडी को एक तरीके से शेप में दूं कि मेरा दिमाग अच्छा चले, राइट। तो हमारे पास प्रोफेशनल लोग होंगे जो आपको वर्कआउट के लिए ट्रेनिंग्स देंगे, डाइट्स के लिए टिप्स वगैरह बहुत सारी चीजें होगी। उसी के साथ स्पिरिचुअलिटी को हम लोग जानेंगे कि हमारा ये जो बॉडी आज के समय में हमें मिला हुआ है क्या अंदर चल रहा है, व्हाट द रोल ऑफ लाइफ, मेडिटेशन इनर ग्रोथ हैप्पी लाइफ कैसे क्रिएट करते हैं, और मतलब हमारे अंदर जो एक कुछ रूह जो छुपी होती है, लोग कहते हैं कि ढूंढनी होती है वगैरह, वो सारी चीजें आपको बताई जाएगी। आपके ऊपर होंगे कि हमें किस किस चीज के ऊपर आपको पार्ट लेना है। ओके, उसी के साथ साथ हम लोग आ जाते हैं मेन चीज, मेन पर्पज ऑफ वॉर एंटरप्रेनर्स, कि जितने भी मेंबर्स यहाँ पर आज के समय में ज्वाइन है उनका पूरा फोकस क्या होगा कि एंड ऑफ द वे या एंड ऑफ द लाइफ या एंड ऑफ द डे हमारी लाइफ हैप्पी होनी चाहिए। हम लोग पैसा कमा लें, बंगला गाड़ी सब कुछ आ जाए, अगर हमारी लाइफ हैप्पी नहीं है तो वो वर्थ लाइफ नहीं गिनी जाएगी, राइट। हम लोग सीखेंगे हाउ टू क्रिएट हैप्पी लाइफ, हैप्पी लाइफ कैसे क्रिएट करते हैं, हाउ टू ट्रीट योरसेल्फ, हमने आपको खुद को कैसे ट्रीट करते हैं, राइट, कि कैसे लोगों के साथ रहना है, कैसे लोगों के साथ घूमना है, हमें खुद की बॉडी को हमारे स्किन को हर जगह पर इफेक्ट करता है हैप्पी लाइफ के लिए, हैप्पी लाइफ क्रिएट करने के लिए, तो सारी चीजों को हम लोग जानेंगे। हाउ टू हेल्प अदर्स, पहले खुद की हेल्प कर ली, उसी के साथ बाद में कैसे दूसरों को हेल्प करेंगे, क्योंकि जितना हेल्प हम लोग दूसरों को करते जाते हैं उतनी हमारी लाइफ अच्छी बनती जाती है और हम लोग निखरते जाते हैं, उतना खुशियां हमारे पास एड ऑन होती जाती है। सो बहुत सारी चीजें हम लोग सीखने वाले हैं, ये कुछ बेसिक चीजें फॉर एंटरप्रेनर्स के बारे में, बहुत और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे और हम लोग सोशल चीजें क्रिएट करने वाले हैं जो आपको धीरे धीरे जैसे ही आप हमारे साथ कनेक्ट रहते हैं बताई जाएगी। एक ऐसी कम्युनिटी है जो आपको एक हैप्पी लाइफ देगी, उसी के साथ अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है जहां पर आप अपना ग्रो हो सकते हो, हमारी तरफ से 100% सपोर्ट्स मिलेगा आपके पर्सनल फील्ड में, जहां पर आप कोई भी फील्ड में जाना चाहते हो, उसी के साथ पैसा आपको बनाने का यहाँ पर से मौका मिलेगा। सो बी फोकस्ड हो जाइए, जो भी चीजें आपको बताई दी जाती है उसको कंटिन्यूसली कंप्लीट कीजिए, वर्क 100% देना शुरू कर दीजिए, एंड यू कैन क्रिएट वर्थ लाइफ, हैप्पी लाइफ आप क्रिएट कर सकते हो। आज के इस वीडियो में इतना ही, और धीरे धीरे और भी कॉन्टेंट्स आपको दिया जाएगा। सो थैंक यू फॉर हियरिंग क्लियरली।